बुधवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में पूर्वा ब्लॉक के नारायणपुर गांव में चौपाल लगाया गया, जिसमें ग्राम विकास और पंचायती राज के कार्यों की समीक्षा किया गया। जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नारायणपुर परफॉर्मेंस ग्रांच का गांव है, वहां पर 18 कार्य अभी तक पूर्ण हुए हैं। उन कार्यों के लिए DPRO, DDO और XEN DRDA को 2 दिन में जांच करके उसकी गुणवत्ता की रिपोर्ट देने को कहा गया है, तथा ग्रामीणों द्वारा जो शिकायतें आईं उसका निस्तारण तत्काल किया गया और आगे भी किया जाएगा। और हर विभाग के अध्यक्षों ने विभाग की जो योजना है उसके बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ शौचालय, CC रोड, विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, टीकाकरण तथा राशन कार्ड में नाम बढ़ाने के लिए लोगों द्वारा शिकायतें आईं। उन्होंने बताया कि चौपाल में जो बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है उसके लिए कैंप भी लगाया गया तथा अगले 2 दिनों तक यह काम जारी रहेगा। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम स्तर के अधिकारी, कर्मचारी सहित उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, नमस्कार, आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा नारायणपुर उर्वा ब्लॉक में चौपाल लगाई गई थी। इसमें जो है पूरे जो ग्राम विकास के और पंचायती राज के कार्यों का समीक्षा किया गया। नारायणपुर में परफॉर्मेंस ग्रांट का गांव है, वहां पे परफॉर्मेंस ग्रांट में 18 कार्य अभी तक पूर्ण हुए हैं। उन कार्यों के लिए DPRO, DDO और XEN DRDA के अंतर्गत सर ने 2 दिन में जाँच करके उसकी गुणवत्ता और उसकी जो क्वालिटी है दोनों को देखते हुए एक रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा जो जो भी प्रार्थना पत्र दिए गए थे उसका निस्तारण IGS में चढ़ा के वहीं पे भी किया गया और IGS में चढ़ा के भी किया जाएगा। इसके साथ हर विभाग के अध्यक्षों ने अपना अपना जो विभाग की योजना है उसके बारे में ग्रामीणों को जागरूक भी किया था। ग्रामीणों की मुख्यतः जो समस्या थी वो राशन कार्ड को लेकर थी, जिसको जो है कल एक कैंप लग के उसको हल करा दिया। सर, किस किस तरह के शिकायत आए? जो शिकायत आए थे ज़्यादातर उसमें जो था कि हमारा जो नाम है इसमें बढ़ाने के लिए राशन कार्ड में, और कुछ जो थी वो आवास को लेके थी जो मेरे स्तर पे देखी गई, और जो था कि परफॉर्मेंस ग्रांट में जो काम अभी होने हैं उसको लेके लोगों की जिज्ञासा थी उसको दूर किया गया, उसको पढ़ के सुनाया गया। इसके साथ लोगों ने PM किसान निधि का जो बताया था उसमें भी उनके EKYC के लिए DD एग्रीकल्चर द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई है। कोविड के जो 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लग रहा है उसके लिए भी वहाँ पर कैंप लगाया गया था, और एक कैंप अभी अब 2 दिन और भी वहाँ चलेगा।